प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गेन है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूट्रस की परत के अंदर बढ़ता है और ये आपकी एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की सप्लाई दे पाता है। ये बॉडी के वेस्टेज को भी आपके बच्चे से दूर ही रखता है। इसलिए प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही के आखिर में बिना दर्द के होने वाले प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग का सबसे आम कारण प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जो कभी कभी आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है और उसके लक्षण क्या है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जहां प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे की ओर होता है और ये पूरी तरीके से आपके सर्विक्स को कवर कर देता है और ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी यूट्रस की दीवार से अलग हो सकता है क्योंकि आपका सर्विक्स लेबर के दौरान खुलने या फिर फैलने लगता है। इसलिए जैसे ही आपका यूट्रस लेबर के दौरान खुलता है, ये प्लेसेंटा को यूट्रस से जोड़ने वाली ब्लड वेसल्स के फटने का कारण बन जाता है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग भी हो सकती है और आप और आपके बच्चे की जान को जोखिम में भी डाल सकता है। इस हालत में ऐसी लगभग सभी महिलाओं जिन्हें ये परेशानी होती है, इसे होने से रोकने के लिए सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही प्लेसेंटा प्रीविया है तो आमतौर पर इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ये परेशानी हैवी ब्लीडिंग और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकती है। इसलिए इसके इलाज के लिए डॉक्टर की मदद लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्लेसेंटा प्रीविया आखिर होता क्या है। अब हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है। पहला है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ये कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति प्रेगनेंसी में तब होती है जब प्लेसेंटा यूट्रस से लेकर सर्विक्स तक के पूरे रास्ते को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। दूसरा है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इस स्थिति में सर्विक्स का केवल कुछ हिस्सा प्लेसेंटा से कवर हो जाता है। तीसरा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये वो स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा सर्विक्स के करीब मौजूद होता है लेकिन ये सर्विक्स को कवर नहीं करता है। इसलिए लो लाइंग प्लेसेंटा या फिर लो प्लेसेंटा शब्द का उपयोग प्लेसेंटा प्रीविया और मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया दोनों स्थितियों को बताने के लिए किया जाता है। और कभी कभी अल्ट्रासाउंड टेस्ट के जरिए यूट्रस के भीतर प्लेसेंटा की सटीक स्थिति को बताने के लिए एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया और पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया शब्द का भी उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने ये जाना है कि प्लेसेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है। अब हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण क्या क्या होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे पहला लक्षण होता है प्राइवेट पार्ट से अचानक खून बहना। ऐसे समय में कुछ महिलाओं में ऐठन भी होने लगती है। इसमें आपको ब्लीडिंग अक्सर दूसरी तिमाही के आखिर या फिर तीसरी तिमाही की शुरुआत में होती है और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है और आपके होने वाले बच्चे की जान को संकट में डाल सकता है। ये ब्लीडिंग वैसे तो कभी कभी अपने आप ही बंद हो जाती है लेकिन कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों बाद फिर से स्टार्ट भी हो जाती है। इसलिए कई महिलाओं में प्रेगनेंसी की शुरुआत में प्लेसेंटा प्रीविया का पता लग जाता है लेकिन बाद में ये प्लेसेंटा प्रीविया अपने आप सही भी हो जाता है और जैसे जैसे यूट्रस फैलता जाता है ये सर्विक्स और प्लेसेंटा के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। ऐसे में अगर प्लेसेंटा जितना ज़्यादा यूट्रस को कवर करता है और प्रेगनेंसी के आखिर समय में भी सर्विक्स के ऊपर रहता है तो इसके अपने आप ठीक होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। अभी तक हमने ये जाना है कि प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण क्या होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होने के कारण क्या क्या होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया होने का सबसे पहला कारण होता है सर्विक्स का प्लेसेंटा से दूर हो जाना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय में प्लेसेंटा सर्विक्स से दूर हो जाता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी शुरुआती फेज में महिलाओं को प्रेगनेंसी के आखिरी फेज की तुलना में प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हालांकि 10 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच लगभग 6% महिलाओं में अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने पर प्लेसेंटा प्रीविया के कुछ सबूत मौजूद मिलते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के बाद बचे हुए प्लेसेंटा प्रीविया के मामलों का कारण यूट्रस की एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है जो कि यूट्रस के निचले एरिया में प्लेसेंटा के जुड़े रहने को बढ़ावा दे देती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।